हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीपिका और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के अप्रोचेस, जो जिसमें आज हम फोकस करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच में। जैसा कि आपको पता है कि अप्रोचेस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस की दो कैटेगरी है। फर्स्ट वन इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द सेकेंड वन इज़ द मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आज की वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कवर करेंगे आज के सेशन में, और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये अप्रोच का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अप्रोच। जब हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये समझना कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या होते हैं, मॉडर्न अप्रोचेस क्या होते हैं। देन ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या हैं और इनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, राइट। फिर टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोचेस। तो बेसिकली जो मेजर टाइप्स हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फिलोसफिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच एंड लीगल अप्रोच, राइट। देन लास्ट में हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे, मतलब कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस की क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट करके मॉडर्न अप्रोचेस लाए गए, राइट। तो ये हम लास्ट में क्रिटिसिज्म करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोचेस का। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर को इंक्लूड किया हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को देखकर इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पता चल रही होगी। तो अप्रोचेस क्या हैं पॉलिटिकल साइंस को जब हम स्टडी करते हैं ना, तो पॉलिटिकल ट्रुथ क्या है, राइट। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसेस। जब आप किसी चीज़ का स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो, तो एक पूरी प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन को क्रैक करना है तो पूरी प्रोसेस है ना, कि स्टेप बाय स्टेप पहले आप प्री दोगे, फिर मेंस दोगे, फिर इंटरव्यू दोगे, तो पूरी प्रोसेस है ना। और इस पूरी प्रोसेस में वेरियस मेथड्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज आप यूज़ करते हो, राइट। तो उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस की जो पूरी प्रोसेस है टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल फिनोमिना, पॉलिटिकल थ्योरीज, राइट, पॉलिटिकल ट्रुथ, तो इस प्रोसीजर के दौरान जो मेथड्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज यूज़ किए जाते हैं, एक वे होता है टू फाइंड आउट द ट्रुथ, तो उसे ही हम अप्रोच कहते हैं। आप इसे अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हो कि जो अप्रोच होता है, दिस इज़ बेसिकली एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देख लें कि हमें ये समझना है जस्टिस, राइट, कि जस्टिस क्या है। तो जस्टिस को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए वेरियस जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनका अपना अपना अप्रोच रहा है। जॉन रॉल्स का अपना अप्रोच है, राइट, अमर्त्य सेन का अपना अप्रोच है। तो इस तरीके से हर किसी का जस्टिस को समझने का अलग अप्रोचेस रहे हैं, एक जो अंडरस्टैंड करने का। प्लेटो जस्टिस को दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, एरिस्टोटल हैं वो दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है, जो ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है फॉर द वेरियस कंसेप्ट रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस, इसी पॉलिटिकल इंक्वायरी को हम अप्रोच कहते हैं ना। तो ये क्या है, इस बेसिकली अप्रोच क्या हो गया, एक तरीके से वे ऑफ डीलिंग, कि हम ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है इसको कैसे डील कर रहे हैं, क्या मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ जस्टिस। प्लेटो ने अपना अलग मेथड किया, कि वो जो ट्राइपार्टाइट डिवीज़न किया था सोल का, उसके आधार पर। फिर एरिस्टोटल ने अलग किया, जॉन रॉल्स ने अलग तरीके से जस्टिस को डिफाइन किया। तो अभी होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अप्रोच क्या है, ओके। अब ये अप्रोचेस को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसके दो मेजर क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ये जो स्ट्रेटजीज हैं ना, ये जो टेक्निक्स हैं, राइट, तो या जो ये पॉलिटिकल इंक्वायरी जो है, ये दो तरीकों पे बेस्ड है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये आपका वैल्यू बेस्ड रहेगा, दिस इज़ नॉर्मेटिव इन नेचर, जिसमें वैल्यूज़ पे फोकस किया जाता है, गुड लाइफ, हैप्पी लाइफ, राइट, राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है, तो वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस। देन जब मॉडर्न अप्रोचेस आते हैं, जहाँ पे जो पॉलिटिकल इंक्वायरी होती है वो साइंटिफिक बेस्ड होती है, फैक्ट बेस्ड होती है, तो इसे मॉडर्न अप्रोचेस की कैटेगरी में रख दिया गया।
तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच, एक बैकग्राउंड देख लेते हैं फिर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को प्लेटो से लेके 20th सेंचुरी तक जो पॉलिटिकल साइंस को अंडरस्टैंड करने का या पॉलिटिकल साइंस को अप्रोच करने का जो तरीका था, जो वे था, उसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच मेजर तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। अब जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच था जो प्लेटो एंड ऑल एरिस्टोटल और बाकी 20th सेंचुरी तक जो यूज़ हुआ, ये क्या है? बेसिकली ये आइडियलिस्टिक इन नेचर था। अब देखोगे कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल इंक्वायरी जिसने जिन जिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अडॉप्ट किया है, वो क्या बात करते हैं? जैसे प्लेटो का ही एग्जाम्पल ले लें, तो प्लेटो का जो मेन ऑब्जेक्टिव था एक आइडियल स्टेट बनाना, जिसमें क्या रहे, एक हार्मनी रहे, पीस रहे, या जो सोशल ऑर्डर है वो उसमें हार्मनी मेंटेन रहे, उसमें शांति रहे, पीस रहे, हैप्पीनेस रहे, जो इंडिविजुअल्स हैं वो गुड लाइफ का जो या हैप्पी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर पाए। तो ये आइडियल आइडियल इन नेचर हो गया ना, जबकि रियलिस्ट, जो रियलिस्ट थिंकर हैं जैसे मैकेवली आप देखोगे या आगे चलकर और भी मॉडर्न थिंकर्स को, वो रियलिस्ट थिंकर्स उनके कहेंगे, मतलब जो एक्चुअली में हो रहा है उसे बात करेंगे। कि जैसे कि जो ह्यूमन नेचर है वो सिर्फ आइडियल नहीं होता, सिर्फ गुड और बैड नहीं होता, बहुत सारी जो रियल हैपनिंग होती हैं, करप्शन है, उन सब चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस होता है। ह्यूमन बींग सेल्फिश इन नेचर है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न अप्रोचेस में। देन फिलोसफिकल, एथिकल एंड नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का गाइस यहाँ पर मतलब ये है कि इट इज़ फिलोसफिकल इन नेचर, जहाँ पर वैल्यूज़ को फोकस किया जाता है इन कंपेरिजन टू फैक्ट। सो नॉर्मेटिव जहाँ पर आ जाएगा इट मीन्स दैट इट इज़ फिलोसफिकल इन नेचर और ये वैल्यू बेस्ड है। वैल्यूज़ की बात करेंगे हम, फैक्ट की बात नहीं करेंगे। ओके, वैल्यूज़ की कैसे, कि जैसे हाँ गुड होने चाहिए, हैप्पी लाइफ होना चाहिए, हैप्पीनेस इज़ दी वैल्यू, राइट? जब हम फैक्ट पे बेस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हैप्पीनेस किन किन फैक्टर्स पे बेस्ड कर रही है, या क्या एक्चुअली में जो हैप्पीनेस है वो कितना परसेंट है, ये सारे फैक्ट के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर हम करेंगे मॉडर्न अप्रोचेज में। तो ये इसमें कई सारे अप्रोचेस को जो है कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अभी देखते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच में जो पॉलिटिकल इंक्वायरी होती है ना, जो पॉलिटिकल थ्योरी बनाएंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, तो यहाँ पर इनका पर्पस क्या होता है? मोरल पर्पस होता है। मोरल क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रेडिशनल अप्रोच के फिलोसोफर हैं या थिंकर्स हैं, वो बात करते हैं हैप्पी लाइफ की, गुड लाइफ की, नहीं, सोशल ऑर्डर, हार्मनी इन द सोसाइटी। तो मोरल पर्पस हो गया यहाँ पर। ओके, तो अगर आपको बेसिक बैकग्राउंड समझ आ गया हो ट्रेडिशनल अप्रोच का, तो आगे मूव करते हैं हम। अब कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, जिससे कि ट्रेडिशनल अप्रोच को लेकर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो और क्लियर हो जाए। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या हैं? ये है वैल्यू बेस्ड अप्रोच है। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हम जो एम्फोसाइज करते हैं, फोकस करते हैं वैल्यूज़ पे। ओके, अब वैल्यूज़ का जस्ट अपोजिट होते हैं फैक्ट। वैल्यूज़ में आपका सब जो एथिकल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, जैसे कि ट्रस्ट हो गया, हैप्पीनेस हो गया, राइट, जस्टिस हो गया, आपका लिबर्टी हो गया, देन अदर चीज़ वैल्यूज़ में आ जाती हैं कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो गई, ड्यू रिस्पेक्ट हो गई, ये सारे जो वैल्यूज़ होते हैं ना, हम अपनी लाइफ में जो परस्यू करते हैं वैल्यूज़ को ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व इसमें शामिल रहेंगे। तो पहला तो हो गया वैल्यू बेस्ड। सेकेंड है जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, दिस इज़ लार्जली क्या है, नॉर्मेटिव इन नेचर है। अब नॉर्मेटिव है तो ये क्यों इसे नॉर्मेटिव कहा जा रहा है? बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच का जो फोकस रहा है वैल्यूज़ पे, वैल्यूज़ ऑफ द पॉलिटिक्स पे, राइट, ये तो इसकी वजह से इसे नॉर्मेटिव इन नेचर कहते हैं। ओके, देन स्टडीज़ इन पॉलिटिकल साइंस ये कहते हैं, जो ट्रेडिशनल अप्रोच के सपोर्टर हैं इनका मानना है कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये वैल्यू बेस्ड है, नॉर्मेटिव है, तो ये साइंटिफिक नहीं हो सकती। साइंटिफिक ना होने का कारण क्या है? कि पॉलिटिकल साइंस की जो इंक्वायरीज है, जो अप्रोच है, वो फैक्ट वे, जो फैक्ट है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड नहीं हो सकते हैं।
इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस से वैल्यूज़ को हटा दोगे तो फिर ये नेचुरल साइंस बन जाएगा ना, और पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस से अलग है। नेचुरल साइंस है जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये क्या है, नेचुरल साइंसेज हैं। तो पॉलिटिकल साइंस कहते हैं सोशल साइंस है, ये सोसाइटी से डील करता है, ह्यूमन बीइंग से डील करता है। तो ह्यूमन बीइंग्स वैल्यू, जो नेचर है वो वैल्यू ड्रिवन होता है ना, वैल्यू बेस्ड होता है। तो आप ह्यूमन बिहेवियर को फैक्ट पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो आप हर एक सर्कमस्टेंसेस में यूनिवर्सली तो नहीं बिहेव करते हो, जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होती है, कभी हैप्पी हो, कभी अनहैप्पी हो, कभी कुछ है, तो ये इस तरीके से साइंटिफिक नहीं हो सकता, मतलब आप मेज़र नहीं कर सकते हो इन चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं ये कहते हैं कि जो सोशल अदर सोशल साइंसेस की फाइंडिंग्स हैं, मतलब इसे टर्म दिया जाता है इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर ये फीचर किसका है, ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, मॉडर्न अप्रोचेस का। ट्रेडिशनल अप्रोचेस में ये मिसिंग होता है, लैक होता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच नेग्लेक्ट करते हैं द फाइंडिंग्स ऑफ अदर सोशल साइंसेस। अदर सोशल साइंसेस जैसे कि साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, राइट। तो जबकि मॉडर्न अप्रोचेस आप में देखोगे आगे चलकर कि मॉडर्न अप्रोचेस ने इंटरडिसिप्लिनरी नेचर को अडॉप्ट किया है, जिसमें अदर सोशल साइंसेज जैसे सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनकी फाइंडिंग्स को भी इंक्लूड करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अदर सोशल डायमेंशन से उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में हम बात करते हैं पावर की, तो क्या पावर इकोनॉमी से ड्रिवन नहीं है? अब यहाँ पे इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक मोटिव्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, उसके लिए लोग पावर में जाना चाहते हैं, जैसे करप्शंस। तो ये पावर कहीं ना कहीं ड्रिवन हो गया ना इकोनॉमी से। इसी तरीके से जो सोशियोलॉजी हो गई कि किस तरह का सोसाइटी से लोग आते हैं, किस तरीके के साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, उसका भी तो इन्फ्लुएंस पड़ेगा ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, राइट। या जिस तरीके के पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होगी, किस तरीके का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो जो लिमिटेशन है ट्रेडिशनल अप्रोच की, वही कि ये इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर नहीं है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए। फर्दर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, इसका ज़्यादातर जो स्टडी का जो सब्जेक्ट मैटर रहा है वो फॉर्मल नेचर रहा है, सब्जेक्ट मैटर है, मतलब फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा फोकस किया है। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि गवर्नमेंट, स्टेट, या आप कह सकते हो जुडिशरी हो गया आपका, या लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, तो ये जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है इस पर ज़्यादा फोकस रहा है। अब ट्रेडिशनल अप्रोचेस ने जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ना उसको नेग्लेक्ट किया है कहीं ना कहीं। ओके, देन कुछ सेक्शन ये भी मानते हैं कि जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है ये वेस्टर्न यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करता है। इसके बाद से नेक्स्ट फर्दर इस तरीके से ये वैल्यू जजमेंट होल्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, आप अपने आंसर में ज़रूर लिखना है इन कीवर्ड्स को। फर्दर ए फिलोसफिकल अप्रोच। अब हम टाइप्स ऑफ अप्रोचेस जो हमने मेंशन किए थे उनको एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फिलोसफिकल अप्रोच गाइस क्या है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच, हम सबको पता है। फिलोसफिकल अप्रोच में जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है इसको एथिक्स के साथ जोड़कर स्टडी किया जाता है। जो फिलोसफिकल अप्रोच है इसमें ये मानना है कि जो ह्यूमन बींग है उनकी जो फिलोसफीज़ हैं, राइट, जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स पे पड़ता है। ओके, तो एक तरीके से जो इसमें फिलोसफिकल अप्रोच के जो गोल्स रहेंगे, मॉरल्स रहेंगे, वो ट्रुथ रहेंगे, वो कहीं ना कहीं किसके अराउंड मूव करेंगे, राइट्स एंड रॉन्ग्स के बारे में। करेक्ट, इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट नहीं आएगा, राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। ओके, सो जो फिलोसफिकल अप्रोच है ये एथिक्स के बहुत क्लोज है। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि जो फिलोसफिकल अप्रोच के सपोर्टर्स हैं जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, रूसो, इनका मानना है कि जो पॉलिटिक्स एंड एथिक्स है दीज आर इंटरलिंक्ड और इन्हें अलग करके नहीं समझा जा सकता है। ओके, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहा है फिलोसफिकल अप्रोच में, जो गोल रहता था इनकी पॉलिटिकल इंक्वायरी का, वो एक गुड सोशल ऑर्डर बनाना,
एक गुड पॉलिटिकल ऑर्डर बनाना जिसमें ह्यूमन बीइंग एक हैप्पी लाइफ को परस्यू कर सके, राइट? तो इस तरीके की जो वैल्यूज को इन्होंने मेन फोकस किया है, जिसकी वजह से ये इसे कहेंगे फिलोसफिकल अप्रोच, और इसके मेन सपोर्टर्स रहे हैं प्लेटो, अरिस्टोटल, रूसो, कांट, हीगल, इस तरीके के लोगों ने इसे सपोर्ट किया है। वन मेजर लियो स्ट्रॉस जो रहे हैं, इन्होंने ये इन्हें मेन सपोर्टर कंसीडर किया जाता है फिलोसफिकल अप्रोच का। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल अप्रोच। अब हिस्टोरिकल अप्रोच में ये कंसीडर किया गया कि जो भी अगर हमें पॉलिटिकल इंक्वायरी करना है, जो प्रेजेंट पॉलिटिकल फिनोमेनाज हैं या जो प्रेजेंट पॉलिटिकल एक तरीके से पॉलिटिकल हैपनिंग हो रही हैं, पॉलिटिकल जो प्रोसेस हैं या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो प्रेजेंट टाइम के हैं, इन्हें समझना है तो हमें इनकी हिस्ट्री को समझना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑल ऑफ सडन नहीं आए हैं। देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग हिस्ट्री और ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट इनका हुआ है। तो हम इनके हिस्ट्री को या इनके पास्ट को बिना समझे तो हम प्रेजेंट जो कॉन्टेम्पररी चीज़ें हो रही हैं पॉलिटिकल डोमेन में, उन्हें नहीं समझ सकते हैं। ओके, तो पॉलिटिकल थिंकर्स जो इन्वॉल्व हैं हिस्टोरिकल अप्रोच से, जैसे कि मैकेवेली, सेबाइन, डनिंग, राइट, इनका मानना है कि जो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री है ये क्लोजली इंटरलिंक्ड है। जैसे फिलोसफिकल अप्रोच में हमने क्या देखा था कि जो पॉलिटिक्स एंड एथिक्स है ये इंटरलिंक्ड है, तो हिस्टोरिकल अप्रोच में पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इंटरलिंक्ड है। और अगर आपको पॉलिटिक्स की स्टडी करना है तो आपको इसकी हिस्ट्री को स्टडी करना होगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको सोसाइटी में जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझना है तो जस्टिस का पास्ट क्या रहा है, मतलब जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, या हमारे पास्ट में, राइट, जस्टिस किस तरीके से परस्यू किया जाता था, जस्टिस का क्या अप्रोच था, उसे समझना पड़ेगा, तभी हम प्रेजेंट समझ पाएंगे। ओके, तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपको ये स्कॉलर्स के नाम याद रखने और इसे मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट है लीगल अप्रोच। तो लीगल अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच है, और लीगल अप्रोच में जो पॉलिटिक्स को इंटरलिंक्ड किया गया है, जो लीगल या ज्यूरिडिक्शनल या जो हमारी जो लीगल प्रोसेस हैं उसके साथ, तो लीगल अप्रोच के जो सपोर्टर हैं ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स एंड जो लीगल प्रोसेस हैं, लीगल इंस्टीट्यूशंस, लीगल मैकेनिज़म्स, ये इंटरलिंक्ड है। और इसमें बात की जाती है कि जो स्टेट है ये फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, किस चीज़ का फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन, किस लिए है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लॉज, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉज। तो अगर आपको स्टेट को समझना है, पॉलिटिक्स को समझना है, तो जुडिशियल प्रोसेस को भी समझना पड़ेगा। तो समझते चले ना आप, अभी ये एक्सप्लेन कैसे करना, फिलोसफिकल अप्रोच पॉलिटिक्स प्लस एथिक्स, आपका हिस्टोरिकल अप्रोच पॉलिटिक्स प्लस हिस्ट्री, लीगल अप्रोच पॉलिटिक्स प्लस लीगल प्रोसेस या लीगल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस, इतना ध्यान रखोगे तो फर्दर एक्सप्लेन आप कर लोगे। तो जो लीगल अप्रोच है ये कहते हैं कि जो सपोर्टर हैं वो आपके बॉडिन, ग्रोटियस, हॉब्स, डाइसी, इनके वर्क हैं, ये सपोर्ट करते हैं लीगल अप्रोच को। या इन पॉलिटिकल स्कॉलर्स ने जब पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करी है तो उसमें लीगल अप्रोच को इन्होंने अडॉप्ट किया है। ओके, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में पॉलिटिक्स प्लस इंस्टीट्यूशंस, ये ध्यान रखना। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं रिवॉल्व करती है अराउंड द इंस्टीट्यूशंस, जो स्ट्रक्चर्स हैं इंस्टीट्यूशंस, जैसे लाइक कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनका स्टडी करना है, और इसका इस अप्रोच को इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहा गया। ओके, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इसे फॉर्मल अप्रोच भी कह सकते हैं, कि फॉर्मल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनको स्टडी कर रहा है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स का। ओके, तो अब इसके मेन सपोर्टर कौन है, एरिस्टोटल ने एक अच्छा मतलब शुरुआत करी थी इसकी, और बाद में चलकर मॉडर्न थिंकर्स जैसे कि जेम्स ब्राइस, बेंटले, वॉल्टर या लास्की हो गए, इन्होंने इस अप्रोच को फर्दर डेवलप किया था। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप भूलेंगे कि जो ये टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं इनको डिफाइन कैसे करना है। इसमें आपको कोर थीम याद रखना है, जैसे कि फिलोसफिकल में
पॉलिटिक्स प्लस एथिक्स, और लीगल में पॉलिटिक्स प्लस जुडिशियल प्रोसेस या लीगल प्रोसेस, इसके बाद हिस्टोरिकल में पॉलिटिक्स प्लस हिस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल में पॉलिटिक्स प्लस इंस्टीट्यूशंस, ये मेन थीम हो गई। और फिर इनके स्कॉलर्स हो गए, चार पांच जो नाम हैं ये, इनको लेकर आप इसमें एक पैराग्राफ बहुत आराम से लिख सकते हो। अब क्रिटिकल इवैल्यूएट करेंगे, हम क्रिटिकली इवैल्यूएशन करेंगे कि इसकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं। तो पहला तो यही कि सबसे ज़्यादा ये नॉर्मेटिव इन नेचर है, जो वैल्यू पर फोकस करता है, जिसकी वजह से इन्होंने जो कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी में हैपनिंग हो रहे थे उसको इग्नोर किया है अपने आइडियल इन नेचर की वजह से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच आइडियलिस्टिक इन नेचर है, तो हमेशा इन्होंने बात की है व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, जैसे प्लेटो कहते हैं आइडियलिस्टिक होना चाहिए। तो इन सब थिंकर्स ने इग्नोर किया है कि भाई रियालिटीज़ क्या हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग पे फोकस ना करके फोकस कहाँ रहा है व्हाट ऑट टू बी, जबकि पॉलिटिकल साइंस को फोकस कहाँ होना चाहिए, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड, राइट। ये देन बहुत सारे थिंकर्स कहते हैं कि इट इज़ ए स्पेकुलेटिव एंड ऑब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, जैसे प्लेटो का एक आपको आप याद रखना एग्जाम्पल भी दे सकते हो यहाँ पर, जो आइडियल स्टेट की बात करते हैं, जो फिलोसोफर रूलर की बात करते हैं प्लेटो, तो ये क्या ऑब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है, अभी तो इसको अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपने बस एक आइडिया दे दिया कि हाँ ऐसा 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 होना चाहिए, बट जब आप उसे रियल शेप देंगे, एग्जिस्टेंस में लाएंगे, तभी तो वो जो एग्जैक्ट नेचर का होगा, अभी तो ये ऑब्स्ट्रैक्ट है कि एक आइडिया है आपके दिमाग में बस। देन इग्नोर किया है पॉलिटिकल बिहेवियर को, राइट, इसके बाद से इग्नोर किया है इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को, या केवल वन एस्पेक्ट को लेकर चले हैं, जैसे हिस्टोरिकल ने हिस्ट्री वाले एस्पेक्ट को लिया है, लीगल ने लीगल अप्रोच में लीगल एस्पेक्ट को लिया, राइट, और फिलोसफिकल में एथिकल एस्पेक्ट को लिया है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में इंस्टीट्यूशंस को लिया है, तो कहीं ना कहीं एक ही एस्पेक्ट को लेकर चल रहे हैं, जबकि जो ह्यूमन लाइफ है, जो पीपल्स की लाइफ है, सिर्फ एक एस्पेक्ट तो रिलेटेड नहीं है, देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट, हम सोशल भी हैं, कल्चरल भी हैं, राइट, इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे भी डील कर रहे हैं, राइट, साइकोलॉजिकल भी है इंसान, या सोशियोलॉजी जो जो हमारे सोसाइटी के वेरियस फैक्टर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग्स को, तो ये मल्टीपल डायमेंशंस हैं, इसीलिए ज़रूरी था कि पॉलिटिकल साइंस के अप्रोच को इंटरडिसिप्लिनरी बनाया जाए, तभी फिर एग्जिस्टेंस में आते हैं आपके मॉडर्न अप्रोचेस। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न अप्रोचेस, जिसमें हम बिहेवियरिज्म, पोस्ट बिहेवियरिज्म, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, और समझ में भी आया होगा। डू कॉमेंट बिलो कि आपको कैसा लगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आया हो तो। एंड प्लीज़ अब नेक्स्ट चीज़ की मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको, टू सपोर्ट मी। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।